नमस्कार दोस्तों, एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए और कौन सी बुक ना पढ़ी जाए। और हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। एग्जाम को क्रैक करने में हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, और उससे भी बड़ा रोल प्ले करता है कि हम कौन सी किताब को सिलेक्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपके लिए दो किताबें लेकर के आया हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ज्यादा बिकती है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परचेज भी करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन यह रहता है कि दोनों में से कौन सी बुक को पढ़ा जाए। तो यहाँ पर जो एक किताब है वो तो है दृष्टि पब्लिकेशन की, और दूसरी किताब है महेश बंडवाल की। दोनों ही किताबें अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ कमियां हैं किताबों में। तो आपके लिए बेस्ट किताब कौन सी रहेगी, आपके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। प्राइस की बात मैं बाद में करूंगा, पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं। अगर कंटेंट की बात की जाए तो दोनों का सफिशियंट कंटेंट है, फैक्ट्स भी काफी हैं दोनों में। लेकिन यहाँ पर जो महेश बंडवाल है उसमें इंडिया के तीनों पार्ट, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसके तीनों पार्ट्स, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया को तो कवर किया ही गया है, साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर किया गया है। तो जिन वनडे एग्जाम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछी जाती है, तो उन लोगों के लिए यह सबसे सफिशियंट है। और इस मामले में दृष्टि से एक कदम आगे निकल जाती है महेश बंडवाल बुक, जबकि दृष्टि में केवल एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया को ही कवर किया गया। हालांकि यहाँ पर जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन, उस पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया। और अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो महेश बंडवाल में काफी फैक्ट्स हैं, इतने फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, और आप इन्हें पढ़कर कम से कम एग्जाम में कोई सवाल तो नहीं छोड़ेंगे। तो एक चीज तो ये हो गई। इसके अलावा एक और मेन जो चीज है वो कॉन्टेंट को लेकर के, वो है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के सवाल आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो महेश बंडवाल में एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा कवर किया गया है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर महेश बंडवाल जी की किताब में यहां कवर हो जाएगा। अब दूसरी जो चीज आती है वो है फ्लो चार्ट। देखिए, फ्लो चार्ट चीजों को याद रखने में और किताब को इजीली पढ़ने में बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब एग्जाम नजदीक होता तो आप पूरी किताब को तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो फ्लो चार्ट से ही आप लोग रिविजन करते हैं, तो इसलिए फ्लो चार्ट बहुत जरूरी होता है किताब में। तो महेश बंडवाल में हर टॉपिक को फ्लो चार्ट में कवर किया गया है। फ्लो चार्ट आप देख भी सकते हैं, हर टॉपिक का फ्लो चार्ट दिया गया है, और एग्जाम के टाइम में ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है गाइज। जबकि दृष्टि की बात की जाए तो यहाँ पर फ्लो चार्ट गलती से भी नहीं डाला गया है, हालांकि कोई एकाध जगह फ्लो चार्ट दे दिया गया है, अदरवाइज यहाँ पर फ्लो चार्ट नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी कमी है दृष्टि पब्लिकेशन की, यहाँ पर फ्लो चार्ट नहीं है, जबकि महेश बंडवाल में चीज़ों को अच्छे से कवर किया गया है फ्लो चार्ट में। और जो तीसरी चीज है वो है मैपिंग। मैप्स बहुत जरूरी होते हैं गाइज। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आपको यही नहीं पता कि हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक है, आपको यही नहीं पता कि हम्पी साइट कहां पर है, आपको यही नहीं पता कि मौर्य साम्राज्य कहां से कहां तक था, तो क्या फायदा हिस्ट्री का, है ना। तो मैप के थ्रू ये चीजें बहुत ही अच्छे से पढ़ी जा सकती हैं, और आपके जो माइंड में ये बहुत ही अच्छे से बैठ सकती हैं मैप के थ्रू। आप थियरी पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन जब आप मैप पढ़ेंगे तो ये साइट, लोकेशन, और तो ये बहुत जरूरी होता है। तो महेश बंडवाल में मैपिंग को बहुत अच्छे से कवर किया गया, जहां भी जरूरी है वहां मैप्स पुट किए गए हैं, हर साइट को, हर साम्राज्य की लोकेशन, हर चीज की लोकेशन मैप्स के थ्रू दिखाया गया। तो इसलिए महेश बंडवाल एकदम बेस्ट बुक है मैप्स के लिहाज से भी, जबकि दृष्टि पब्लिकेशन में गलती से भी एक भी मैप नहीं डाला गया है। और अब जो चौथी चीज आती है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के मामले में दृष्टि पब्लिकेशन आगे है, यहाँ पर हर टॉपिक के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट पर जब आप गूगल करेंगे तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी एग्जाम्स के मिल जाएंगे, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आती है बात प्राइस की। तो गाइज, प्राइस के मामले में जो प्रिंटेड प्राइस है महेश बंडवाल का वो है 399 रुपीज, जबकि दृष्टि पब्लिकेशन का प्रिंटेड प्राइस 340 रुपीज है, यानी कि 340 रुपए। तो प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 50-60 रुपए का फर्क है। तो 50-60 रुपए को लेकर के अगर आप दृष्टि पब्लिकेशन को प्रेफर करें तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी गाइज। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप लोग महेश बंडवाल को ज्यादा प्रेफर करिएगा, क्योंकि महेश बंडवाल जो है सबसे बेस्ट बुक है हिस्ट्री के लिए। अगर आपको अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है, आप वनडे एग्जाम की अगर तैयारी करें ना गाइज, तो मेरी बात मानिए, महेश बंडवाल सबसे बेस्ट बुक है। हिस्ट्री के सवाल आपका एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, अगर आप महेश बंडवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को दूसरी बुक उठाने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री कवर मिलेगी, यहाँ पर एनसीईआरटी कवर्ड है, एनसीईआरटी के अलावा एंशियंट, मेडिवल
और मॉडर्न इंडिया भी अच्छे से कवर किया गया है महेश वर्णवाल में। और टेबल के मामले में बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एकदम अरेंज किया गया है महेश वर्णवाल में, बहुत ही अच्छे से टेबल में सारी चीज़ों को दिखाया गया है, सभी फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किया गया। तो अरेंजमेंट के मामले में भी महेश वर्णवाल जो बुक है वो एक कदम आगे है दृष्टि पब्लिकेशन से। तो गाइज मेरी पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि महेश वर्णवाल बहुत ही अच्छी बुक, एक्चुअली मैंने दोनों ही किताबों को पढ़ा है, तो तभी मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं और तभी मैं इस वीडियो को बना पाया हूं और आप लोगों को बता पाया हूं कि कौन सी बुक बेस्ट है। तो गाइज महेश वर्णवाल जो बुक है वो एकदम बेस्ट बुक है, आप लोग उसी को प्रेफर करिए। 10-20-50 रुपए के वजह से ये मत कर जाइएगा कि दृष्टि पब्लिकेशन खरीद लूँ, आप बाद में पछताएंगे दृष्टि पब्लिकेशन खरीद करके। बाकी आपकी मर्जी है भाई साहब, आप दोनों किताबों को पढ़ करके देख सकते हैं। वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए और दूसरी किताबों के लिए कंपैरिजन के मामले में लेकर के आता रहूं क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की बना सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।